अच्छा भजी, आपको आपकी नई जिंदगी की शुरुआत करने पे लाख लाख बधाई हमारी तरफ से। थैंक यू, थैंक यू। और आज आपकी शादी की खुशी सिर्फ आप ही को नहीं है, पूरे देश को है, और आप इनका उत्साह दे सकते हैं। पाजी ने आज ओपनिंग का एपिसोड में भंगड़ा डाल दिया पाजी। भज्जी और गीता के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और आज एक और स्पेशल चीज आपको देखने को मिली, ये लड़कियों ने बड़ा अच्छा गिद्दा डाला, ये पूरा पंजाबी गिद्दा, और इन्होंने 25 सेकंड का गिद्दा जो इन्होंने भी किया मेरी वाइफ। वेरी गुड भंगड़ा, वेरी गुड। आप तो अच्छा ही कर लेती हूं। इसका बंगाली गिद्दा निकला था घूम घूम के, जो वही चोटा इसका जटना गोल गोल घूम गया। मंजू शर्म नहीं आती? हाँ, बच्ची गीता पहली बार शादी के बारे में, तुम लोग जाको मुठो मीठा कराओ जाके। हाँ हाँ, अभी लाती, मैं भूली नहीं हूँ, मैं अभी लाती, मैं मीठा लाती। पाजी आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए प्लीज। थैंक यू, आइए। गंजू ये क्या कर रही है? गंजू ये क्या कर रही है? करना पड़ेगा दीदू, जूता चुराने की रस्म भूल के शादी में। तू तो कह रही थी भज्जी मेरा भाई है, गीता मेरी भाभी है, भाई का जूता थोड़ी नहीं चुराते। दीदू भगवान की दया से ना पापा ने बहुत भाई दे के रखे हुए हैं। हाँ, तो राखी वाले दिन ना सुबह 7 बजे से शुरू करो, रात को 8 बजे तक राखी खत्म ही नहीं होती, कमाई के नाम पे जीरो। और वैसे भी बिजनेस में ना रिश्तेदारी गई भाड़ में, मैं जूता शुरू। अरे पाजी ये ऐसे नहीं मानेंगे। ए कितने पैसे चाहिए तुमको बताना। मैं सगुन के नाम पे देखो, मेरे ज्यादा नहीं, मेरे को 51,000 दे दो बस। मेरी जेब बहुत हल्की हो गई शादी में। 11 लाख रुपए इसकी 11 बहनें लेके गई हैं। 11 लाख रुपया जूता चुराई पे? बिल्कुल, जूते ही 25-30 लाख के तो पहने होंगे आपने। जूते तो सस्ते ही थे, पर उनकी भरपाई जो है बड़ी महंगी हुई है। और ये औरत टपक गई आज। 51,000 रुपया, 325 का मुंह। 51,000 रुपया तू जूता चुराई का लेगी? चलो ठीक है, आपकी बात मानी, 1,000 रुपए मुंह के काट लो, 50,000 दे दो बस। अच्छा ठीक है, ना आपकी ना मेरी, 10 रुपए से 1 पैसा कम ज्यादा नहीं लूंगी मैं, बस 10 रुपए निकालूंगी। ठीक है 10 रुपए मैं तुम्हें देता हूँ, प्लीज अभी जा, मेहमानों को तंग मत कर, चल जा। अरे देता हूँ बाद में ना, अभी दो। छुट्टे नहीं है? नहीं है, 10 रुपए नहीं है आपके पास। मैं तो लाया नहीं, मेरे सारे खत्म हो गए शादी में, लगे जितने कमाए थे। अभी आप देते, मेहमान आए पहले। भुखड़े है ना, भुखड़े में से कंजूस कंजूस। पाजी आपको बहुत बहुत मुबारक, कैसा लग रहा है आपको? पहले आप हमेशा आते थे हमारी इंडियन टीम के ग्रेट बॉलर रविंद्र सिंह आ रहे हैं, आज दूल्हे बन के आए हैं आप। हाँ। कोई लाइफ में चेंज आता है पैसे सच्ची में? नहीं अभी तो वो मतलब फंक्शन भी इतने चले जा रहे हैं कि अभी महसूस ही नहीं हो रहा है कि शादी हुई है। मतलब पता है हुई है, पर मतलब उस चीज से निकल ही नहीं पा रहे हैं। अभी जैसे धीरे धीरे टाइम व्यतीत करेंगे तो फिर पता चलेगा एक्चुअली। पर आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, भगवान आपको जोड़ी ऐसे ही बनाए रखे, और आप हमेशा खुशियां ही खुशियां देखिए अपने जीवन में, बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। पाजी ये तो सारी दुनिया जानती है, क्रिकेट मैच जब होता है तो भज्जी ने तकरीबन हर आदमी का विकेट लिया है, हर आदमी को क्लीन बोल्ड किया है। पाजी गीता ने आपको क्लीन बोल्ड किया है, अब सब जानना चाहते हैं कि पहला मैच कहां हुआ था, कहां देखा था एक दूसरे को आपने? इसने मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखा, कह रही ये कौन है? नहीं मैंने इसका गाना देखा था, वो मूवी जो इसकी आई थी जी, उसमें गाना था वो ओ अजनबी ओ अजनबी, मैंने कहा ये अजनबी कर रही है, मैं इसका अपना ही बन जाता हूँ ना। तो फिर क्या हुआ? बस तब मैंने मेरे एक दोस्त को बोला, मैंने कहा यार ये लड़की कौन है, मैं मिलना चाहता हूँ। और हम तब T20 वर्ल्ड कप खेल के आए वापस, और बहुत जश्न मनाए लोगों ने, हमें बहुत सर पे बिठाया जी जी, जब T20 आपने जीता था वर्ल्ड कप। और मतलब रस्ते पे इतनी ज्यादा भीड़ मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी थी, पक्का एक कमाल का माहौल था, मतलब उससे बड़ी मोमेंट नहीं हो सकती थी। और तब मैंने इनको फोन किया तो ये कहती है आप कौन हो भाई? ट्रू की था? मैं ऐसे नहीं बोला, ही इज एग्जैजरेटिंग। एक्चुअली मैं क्रिकेट फैमिली से बिलोंग नहीं करती, मेरे कोई फैमिली क्रिकेट देखती नहीं थी, एक मैच तक नहीं देखा कभी लाइफ में। अच्छा, तो तब पर एक बार देख लिया तो फिर कहती है तो ऐसा भी नहीं था, ये ऐसा भी नहीं था, ऐसा भी नहीं था, ये ऐसा भी नहीं था, 10 महीना ये मेरे पीछे लगा था। अच्छा हाँ, ओ धर्मपाजी वाला गाना लाया जी, तेरा पीछा ना मैं छोडूंगा सोनी, वो गाना लगाया था। मेहनत करते रहे, भगवान ने फल दे दिया। इसका मैं एक किस्सा बताता हूँ, हम साउथ अफ्रीका में IPL खेल रहे थे,
और ये वहाँ पे आई, इसको जैसे इसने बताया क्रिकेट की नॉलेज नहीं थी और ये पहली बार क्रिकेट का मैच देखने आई। ऑब्वियसली मुंबई इंडियन का झंडा पकड़ा हुआ है इसने, मैंने एक दो चौके मारे बैटिंग कर रहा था तो सब झंडे हिला रहे हैं मुंबई इंडियन। तीसरे बॉल पे मैं बोल्ड हो गया और बॉल ना पीछे निकल गई बाउंड्री पे, तो इसको लगा चौका हुआ। ये अकेली पूरा झंडा हिला रही है तो मैं आउट हो के, मैं आउट हो के ऐसे पवेलियन जा रहा हूँ और मैं ऊपर देख रहा हूँ ये झंडा हिला रही है। वाह बहुत बढ़िया। तो पानी इतना दूर नहीं दिखता है, जब हम स्टैंड पे खड़े रहते हैं नहीं दिखता है कि क्या हो रहा है वहाँ। तो भज्जी आते हो तो दिख गए थे ना कि अभी आ रहे हैं, इस क्या करने झंडा लगा रही है। नहीं गीता इन सेंटर उनको लगा होगा कि शायद चौका मारा, अभी भज्जी हक करके आएंगे दोबारा जाएंगे। हमारे पास एक पिक्चर है पाजी, भज्जी पाजी की, जिसमें ये अभी हाल ही में शादी की, जिसमें भज्जी पाजी ना शाहरुख खान के स्टाइल में ऐसे गीता के लिए कुछ तो कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं पूछना जाऊं। यहाँ पे प्लीज जरा पिक्चर दिखाएंगे आप। पाजी ये क्या कर रहे थे आप, कोई गाना गा रहे थे, क्या कर रहे थे? बस मैंने कहा यार मजाक मजाक के देख कितना बड़ा काम हो गया। अब तो खैर शादी के बंधन में बन चुके हैं और मैं आपको बता दूं, आप सबको पता भी होगा, भज्जी को गाने का बहुत शौक है, बड़ा अच्छा गाते भी हैं। सो आज मोमेंट भी है बाजी, मौका भी है, दस्तूर भी है, आज एक गाना तो बनता बाजी। पता क्या है, पहले ना हमारे शो में, गीता मैं आपको बताना चाहता हूँ, भज्जी जब पहले आते थे हमारे शो में, लड़कियां आती थी, भज्जी आई बॉलिंग की हुई फैन हूँ, तो आती थी तो भज्जी शर्मा जाते थे हमेशा ही, नहीं यार क्या किसी की बहू बेटी क्या मैं डांस करूं। अब तो आप अपनी प्रॉपर्टी लेके आए पाजी। तो अब तो किसी का डर भी नहीं है, अब तो बनता है पाजी, फुल रोमांटिक माहौल होना चाहिए। आपने पोस्ट तो देख लिया शाहरुख खान वाला, उनकी जी, उनका ये गाना सुना देता हूं जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह क्यों नहीं। तो आप शुरू करवा दो। अब मेरा तो आज गला बैठा हुआ है। अच्छा वैसे तो सब जानते हैं कि हरभजन को सब लोग प्यार से भज्जी बुलाते हैं, आपके लिए क्या बचा? भज्जू। भज्जू। मम्मी ने जब नाम रखा था सरदार हरभजन सिंह सोना मेरा पुत्र, धीरे धीरे भज्जी, आगे बीवी ने भज्जू कर दिया। भज्जी पाजी क्रिकेट तो खेलते ही हैं, पाजी के अपना स्पोर्ट्स का बिजनेस भी है, प्लस 5 क्रिकेट की अकेडमीज हैं, पुलिस की जॉब भी है। गीता आपके लिए टाइम निकाल लेते हैं भज्जी? पहले एक हफ्ता था जहाँ मेरे साथ थे, उसके बाद तो ये मैचेस पे चले गए और I've hardly seen ये पहली बार इसने बोला ये मैचेस पे चले गए हैं। तो वैसे नहीं बोलती थी? नहीं वैसे कहाँ जा रहा है? No, I speak English, no? That's why. But ये मैचेस पे चले गए तो मैं हार्डली इनके साथ टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ। पाजी मतलब जैसे मैंने आपसे पहले सवाल ये किया था कि शादी के बाद क्या चेंजेस आते हैं, इससे पहले भी गीता आपको फोन करती होंगी, अब शादी के बाद फोन बढ़ गए हैं आने के कम हुए? नहीं एक्चुअली शादी के बाद अब कम हो गए हैं क्योंकि प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है, प्लॉट अपना है, कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई कब्जा नहीं करेगा इस पे, कब्जा सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तो मतलब मैं वैसी गर्लफ्रेंड नहीं थी जहां मैं 10 बार दिन में फोन करती थी। कितने? पर वो 10 बार का ही एक बार में कर लेती थी। अगर फोन किया तो बस गए, फिर लंबी ही बात, लंबी बात है। भज्जी का एक सीक्रेट है जो उनका एक बॉल फेंकने का तरीका दूसरा, और किसी को तो पता नहीं वो कैसे फेंकते हैं, पर मुझे लगता है गीता को दूसरा क्या तीसरा चौथा पांचवा सब पता होंगे भज्जी के। तो भज्जी जब ये दूसरा फेंकते हैं तो बड़ों बड़ों को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। हम आज देखना चाहते हैं कि गीता इनसे क्लीन बोल्ड होती है कि नहीं। ओके सो आप लोग देखना चाहते हैं, चलिए फिर हो जाए एक बार तालियां भज्जी और गीता के लिए। ले आइए प्लीज। भज्जी एज यूजुअल जो है वो बॉलिंग करेंगे और गीता जो है वो बैटिंग करेंगे आज। आइए और घर की महारानी घर की पटरानी भज्जी की सिटी पिटी गुल। चल भाई फेंक, मजाल क्या है आउट कर दे भज्जी। इसी के साथ ही गीता का गगन चुंबी छक्का और भज्जी हक्का बक्का।
ध्यान से देखिए इस इंसान का चेहरा। दूसरे बैट्समैन के छक्के छुड़ाने वाला अपनी बीवी के सामने खुद आ मेरे को भज्जी भाई ने कहा, कहते गीता आपके शो में जब पहले आई थी तो मैंने देखा था उनकी जीके थोड़ी वीक थी, बोलते लेकिन अभी मैंने ना उसको तैयार कर दिया गीता को पूरा, अभी तो कुछ भी पूछ के देखना। पूछ के देखो। ताजमहल कहाँ है? मैं उस चीज का मतलब जवाब दूंगी, उस सवाल का जवाब दूंगी जो आपको आता है। अगर तो फिर अभी बताइए ताजमहल कहाँ है? अगर आप मेरे सवाल का जवाब दोगे। अच्छा, नहीं बड़े टेस्ट कर रहे थे मुझे, अभी मैं आपको टेस्ट करती हूँ। मैंने तो किया नहीं, मैंने तो शुरू करना, आपने पहले पकड़ लिया। आपने पूछा ना आगरा कहाँ है, तो मैं आपसे पूछना आगरा कहाँ है। आगरा नहीं पूछा उन्होंने, ताजमहल कहाँ है? ताजमहल का पैसा जवाब देगी वो। अच्छा मेरे एक सवाल का जवाब गीता दे, फिर मैं भी तैयार हूँ। चलिए ऐसे खेलते हैं। ताजमहल कहाँ है? आगरा। मतलब ये अच्छा, आप मुझे बताओ कि गन ऑफ कीज कहाँ है? क्या है गन ऑफ कीज कहाँ है? लिसन बाजी, पूछो ना, अभी आपकी बारी है, आप मुझे जवाब दो। बाउंसर बजे ठका करके शू करके लग। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। या या किन्नुआ का रस क्या? गन ऑफ कीज कहाँ है? Gun of keys, na? Haan. It's in this planet only.